डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, उपेल बघेल संघर्ष करो, एजाज ढेबर संघर्ष करो। आज महापौर एजाज ढेबर के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है और हमारे साथ रायपुर के सभापति हैं प्रमोद दुबे जी। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कांग्रेस लगातार इसको बता रही है, इस पर उनका क्या कहना है? हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, उनके जिस प्रकार के अधिकार हैं कि एक परिवार है पूरा, उस पूरे परिवार के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो इसलिए हम बार बार आवाज दे रहे हैं, कोई अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। इसका जवाब ऊपर वाला जरूर देगा, ये जानकर रख लीजिए आप। और जिस प्रकार के बदले की भावना से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, उसका परिणाम हमें मालूम है कि 2023 में चुनाव आने वाला है और भयग्रस्त हो जाएं कांग्रेस के लोग। हम तो आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, हम सूची उपलब्ध कराना चाहते हैं इनको, हम सबके घर में छापा मारे आ करके और देखें, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ भी छापा मारे, उनके यहाँ भी प्रॉपर्टी को देखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ता, आपने देखा होगा आज तक के। तो कुल मिलाकर के ये जो कार्रवाई है वो स्पष्ट परिलक्षित होती है कि ये दुर्भावना से की गई कार्रवाई है। इन्होंने ढेबर जी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लगातार, कि ईडी जो है उनकी माता जी को दवाई और प्रेस्क्रिप्शन जो है वो मुहैया कराए। कैमरामैन रवि के साथ राहुल चौबे की रिपोर्ट पर।